बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया प्लेटफार्म के ऊपर आपने कहीं ना कहीं इस मसले के ऊपर वीडियो देख ली होगी। ये मसला आजकल मैं खासकर टिकटॉक के ऊपर बहुत सी वीडियो देख रहा हूँ इसके मतलब कि भाई पाकिस्तान से अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं, वैसे तो मैं मेन सऊदी अरब में रहने वाले भाइयों के साथ ही वीडियो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी गुल्फ कंट्रीज़ में हैं या कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो इस वीडियो को देख रहा है तो भाई सबके लिए बताया गया। वैसे तो अगर आप पाकिस्तान से सफ़र कर रहे हैं किसी भी कंट्री का, सऊदी या दुबई, मस्कत, ओमान, कुवैत वगैरह, कहीं का भी, कतर वगैरह, कहीं भी यूरोप कंट्री का, तो चाहे आप इंडिया क्यों नहीं जा रहे हैं, तो भाई आपको पोलियो हेल्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसमें कितनी सदाकत है इस मसले के ऊपर अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे पहले तो भाई मैं लास्ट टाइम, जब आपको पता है मैं सऊदी में होता हूँ तो अभी पाकिस्तान में आया हूँ, तो लास्ट टाइम जब किंग अब्दुल अजीज़ जद्दा से मैंने सफ़र किया तो मैंने एयरपोर्ट से बहुत सी लाइव वीडियोज़ बनाकर आपके साथ शेयर की और आप भाइयों को दिखाया कि भाई देखें कौन कौन सी चीज़ एयरपोर्ट के ऊपर हमसे मांगी गई। मिसाल के तौर पर तवक्कलना वाला पेपर था हमारे पास, मिसाल के तौर पर सेहती का सर्टिफिकेट था, हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है सेहती ऐप का, और उसके अलावा फिर भी बंदों से ये कहा गया कि आप अपने मोबाइल में तवक्कलना और सेहती हमें ओपन करके दिखाएं। खाली पेपर के ऊपर नहीं काम चला और हमने ओपन करके दिखाई। कुछ भाइयों के पास वाईफाई वगैरह वाला कनेक्शन नहीं था, मैंने दिया उनको, जो भी बहरहाल मामला रहे मैंने लाइव शेयर किए। और उसके बाद एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बता दूं आबे जमजम के मतलब, चलो वो भी इस वीडियो में ऐड कर दूं। उस टाइम आबे जमजम अलाउड नहीं था और कुछ हाजी हजरात तो नहीं थे, लेकिन कुछ परदेसी भाई थे जो अपने बैगों में भाई आबे जमजम की बोतलें, वो 2 लीटर वाली जो 2 रियाल वाली होती है, वो भर के रखी हुई थी और वो उन लोगों ने बोला था निकालो, निकाल निकाल कर साइड पर ढेर लगा हुआ था। मैंने एक उठा ली तो अपने दोस्त को बोला तू भी एक उठा ले यार, वो बोलता आगे वजन ज़्यादा। मैंने बोला हाथ में पकड़ी चीज़ का वो वजन नहीं होता है, वो आबे जमजम की बोतलें हम पीते जहाज़ में गए, मैंने बोला इसका कोई वजन नहीं करेगा हाथ में पकड़ी हुई चीज़ का। बहरहाल हैंड कैरी वगैरह जो अच्छा वीडियो किसी और तरफ चल पड़ेगी, हम हेल्थ सर्टिफिकेट के मतलब बात कर लेते हैं। पोलियो वैक्सीन हेल्थ सर्टिफिकेट लाजिम है जी, आप किसी भी कंट्री में सफ़र करना चाहते हैं। और भाई क्यों, मैं मिसाल के तौर पर सुन लें, मिसाल के तौर पर भी मेरी उम्र भाई 5 साल है, 7 साल है जहाँ मैं बच्चा हूँ, या पाकिस्तान में पोलियो केसेस बहुत आ रखे हैं जिनको देखते हुए कि भाई कोई बंदा ऐसी बात करेगा ये बच्चा आपके साथ है, क्या आपने इसको पोलियो वैक्सीन पिलाई हुई है? है यार, एक बंदा 20-25-30-35-40-50-60 साल का है तो उससे हेल्थ सर्टिफिकेट पोलियो का मांगने का, ये तो एक बेवकूफाना अमल है, मैं तो ये बोलूँगा। हाँ, कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि वो बोलते हैं जी आप अपना सर्टिफिकेट लेके आए। बेसिकली जो मैं बात दो टो कभी करके वीडियो एहतम करते हैं वो ये है जी कि ये एजेंटों की तरफ से फैलाई गई एक अफवाह है, सीधी सिंपल बात है। पाकिस्तान में जब वीज़े हमारे लगने जाते हैं तो भाई बहुत से भाइयों को पता ही नहीं होता है यार कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं, कौन कौन से वो जैसे जैसे एजेंट बता रहे हैं ना वो वैसे वैसे किए जा रहे हैं, एजेंट उनसे लूटे जा रहे हैं। ये एजेंटों की तरफ से फैलाई हुई अफवाहें हैं कि भाई पोलियो के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट वो भी आपका बनेगा जी, वो जाएगा जी साथ में, ये है वो है, या नहीं जाएगा तो आप भाई सशोपन में पड़ जाएंगे या आपको कोई कहानी सुनाकर 10-20 हज़ार उससे भी ले लेगा। तो ऐसी कोई खबर में सदाकत नहीं है, खासकर गुल्फ कंट्रीज़ के लिए, खासकर सऊदी अरेबिया के लिए। भाई तो कोई किसी किस्म का आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए वैक्सीन का, पोलियो का। हाँ, कोरोना की वैक्सीन आपने लगवाई हुई है तो बेस्ट है, उनका सर्टिफिकेट वगैरह आप अपने पास रखें तो वो ठीक है जी, कारामद है। लेकिन अभी भाई अगर कोई बंदा सऊदी अरेबिया में जा रखा है ना अभी, तो उससे कोरोना वैक्सीन के मतलब भी कोई भी किसी किस्म का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। सिंपल, आप अपनी टिकट लें, सफ़र करें, नो टेंशन। मास्क की पाबंदी भी ख़त्म है, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फ्लाइट्स वगैरह ओपन है, तमाम तर पाबंदी ख़त्म हो चुकी है। और ये जो नया फड्डा भी जारी है ना भाई, इसको रफा दफा करें, ये ऐसे अफवाह है और कुछ भी नहीं है।